हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग कंटिन्यूसली ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन पे आए हुए हम लोग। रिफ्रैक्शन में कल आप लोगों ने अपारेंट शिफ्ट यानी अपारेंट डेप्थ के बारे में पढ़ रहा था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था आपने। लेटरल डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने के लिए मैंने बोला हुआ था, आपके जो डाउट्स आए हमने उसको क्लियर किए हैं, बाकी डाउट्स को अभी आगे हम क्लियर करते रहेंगे। और बात आगे आती है कि भाई अभी अपारेंट डेप्थ की बात हमने कल की हुआ था, और अपारेंट डेप्थ के लिए जो हमने कल फार्मूला ड्राइव किया हुआ था, अपारेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे, है ना। ये देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आई अपॉन म्यू आर, कल ही मैंने इसको ड्राइव करवा दिया था आप लोगों के सामने, है ना। डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर, है ना। ये प्लेट के ऊपर गया, डी डैश इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू डी अपॉन म्यू आई इंटू डी डैश इक्वल टू म्यू आर इंटू डी। ये कल ही मैंने आपको डिस्कस करा दिया था। मैंने कहा है स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स विद राहुल गिरी, तो कंटिन्यूअस हमारे चैनल में आप बने रहिए और कंटिन्यूअस वीडियोज़ को देखते रहिए, आपकी सारी चीज़ें सीरियल वाइज आपको क्लियर होते चले जाएंगे और सारे क्वेश्चंस डाउट्स सबको क्लियर क्लियर होते चले जाएंगे, तो आप बने रहिए कंटिन्यूअस। आइए थोड़ा देखते हैं, कल हमने आपको सिर्फ और सिर्फ डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा था ऐसा मैंने दिखाया था आपको, और उसी पर डेरिवेशन करवाया था, बताया था ऑब्जेक्ट जिस डेप्थ पर है उससे कम डेप्थ पर इमेज होगी जो आई के द्वारा देखी जाएगी, यानी अपारेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम होगी, जो कि इस फा ये फार्मूला भी बता रहा था। चूंकि म्यू आई ग्रेटर है, देखिएगा म्यू आई ग्रेटर है तो डी डैश लेस होगा इन कंपेरिजन टू डी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है। इमेज डिस्टेंस मतलब अपारेंट डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम कांस्टेंट रहना है। म्यू आई ग्रेटर देन म्यू आर हो जाएगा तो डी डैश लेस देन डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए म्यू आर लेस देन म्यू आई है, म्यू आर लेस है तो डी डैश ग्रेटर होगा, इंप्लाइज दैट डी डैश इज ग्रेटर देन डी, ठीक है। ओ सॉरी उल्टा हो गया, म्यू आर लेस है, म्यू आर लेस है तो डी ग्रेटर होगा, डी ग्रेटर होगा देन डी डैश, है ना। मीन्स अपारेंट डेप्थ जो होगी वो कम होगी, अपारेंट डेप्थ कम होगी यानी ऑब्जेक्ट जिस डेप्थ पर है उससे कम डेप्थ पर दिखाई देगी, है ना। ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट कहाँ है डेंसर मीडियम में, यानी पानी में जो मछली को देख रहे हैं, है ना, बाल्टी में पानी भरी है उस बाल्टी में डाले गए सिक्के को हम देख रहे हैं, तो जिस डेप्थ पर ये ऑब्जेक्ट्स हैं हमें थोड़ा कम डेप्थ पे दिखाई देंगे, है ना। हम सोच रहे हैं उस सिक्के को हम किसी ऑब्जेक्ट से पकड़ के बाहर निकाल लें, तो अगर वो सिक्का 5 सेंटीमीटर की डेप्थ पर है हो सकता है हमको दिखाई देगा कि 3 सेंटीमीटर की डेप्थ पे है, और 3 सेंटीमीटर का हम इंस्ट्रूमेंट लेकर के निकालने की कोशिश करेंगे उसको निकाल नहीं पाएंगे, जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि अपारेंट डेप्थ रियल डेप्थ में रिलेशन होता है। अपारेंट डेप्थ 3 है तो रियल डेप्थ 5 हो सकती है, जब तक हम ये आंकलन नहीं करेंगे। दूसरी केस में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, दूसरी केस में देखिए ये है कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, इंसिडेंट रे का मीडियम रेयरर है, इंडेक्स का मतलब रेयरर है, तो रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रे आकर के यहाँ इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये दोनों रेज आंख में एंटर करेंगी तो इमेज बनेगी, कहाँ इमेज बनेगी, रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ से आ रही हैं, डाइवर्जिंग नेचर की हैं तो डेफिनेटली पीछे कहीं से आ रही हैं, इनको पीछे बढ़ाया गया तो आई पे मिलती हैं, मतलब इस आई के द्वारा ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट की इमेज देखी जाएगी जो कि इस पोजीशन आई पे होगी, और यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है डी डैश इज ग्रेटर देन डी, अपारेंट डेप्थ इज ग्रेटर देन रियल डेप्थ, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा, अपारेंट डेप्थ इज ग्रेटर देन रियल डेप्थ, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो अपनी एक्चुअल डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पे दिखाई देगी, और ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है तो अपने रियल डेप्थ से थोड़ा कम डेप्थ पे दिखाई देगी, है ना। इस फार्मूले से भी देखिए क्लियर है, यहां पे देखिए क्या है म्यू आई लेस है, म्यू आई क्या है लेस, म्यू आई लेस है डी डैश ग्रेटर होना चाहिए, दिस इंप्लाइज दैट डी डैश ग्रेटर देन डी, अपारेंट डेप्थ ग्रेटर है, बातें क्लियर।
मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स आपको ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। कहीं कहीं पर इंसिडेंट, ये दूसरा वाला मीडियम जो है रिफ्रैक्टेड मीडियम है, इसको एयर बोल देते हैं, तो यहाँ पर म्यू आई की वैल्यू वन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी। अब म्यू आई की वैल्यू वन हो जाएगी, देखिए यहाँ पे वन करते हैं तो डी डैश इक्वल टू सीधा सीधा क्या आता है फिर म्यू इंटू डी आता है। म्यू किसका? म्यू किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिव मीडियम को, सॉरी यहाँ पे देखिए मैंने कहा क्या, म्यू आर की वैल्यू रिफ्रैक्टिव मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वन हो जाएगा अगर, तो यहाँ पे वन रखेंगे तो डी डैश इंटू म्यू इक्वल टू डी आएगा, यानी डी डैश इक्वल टू डी बाई म्यू आएगा। तो सिंपली आप लोग कोई भी क्वेश्चन होगा आप सेपरेटली सारी वैल्यूज को चेक करिए, पुट करिए और आंसर गेट कीजिए, है ना। आइए इसमें देखते हैं कि ये जो शिफ्टिंग हो रही है इसकी वैल्यू कितनी है। ये जो नॉर्मल शिफ्ट है ना भैया, ये इसको अगर हम एन से रिप्रेजेंट करें, नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं इसको, इसको एन से रिप्रेजेंट करें, इस एन की वैल्यू क्या होगी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है? ओके, नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट जिसको हम बोल रहे हैं कि स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर लीजिए भैया, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे तो एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अगर मैं यहां पे, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ को हम लोग डी से रिप्रेजेंट क्या करते हैं, किससे भैया, डी से, माइनस अपेरेंट डेप्थ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी डैश से, जिसको हम लोग डी अपॉन म्यू रिलेटिव लिखा करते हैं। डी कॉमन कर लें तो नॉर्मल शिफ्ट एन इक्वल टू आ जाएगा, डी कॉमन कर लेंगे आएगा वन माइनस वन अपॉन म्यू रिलेटिव, है ना। फार्मूला ये बन गया, म्यू रिलेटिव की वैल्यू म्यू आई अपॉन म्यू आर अगर हम रखेंगे तो ये पलट के आंसर जो हमारा बनेगा डी माइनस सॉरी डी इंटू वन माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई बनेगा, है ना। म्यू आई अपॉन म्यू आर रहता पलट के ऊपर जाएगा तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। यहां से भी देखिए नॉर्मल शिफ्ट कब पॉजिटिव आएगी कब निगेटिव आएगी, है ना। हमने इसमें क्या मान के किया हुआ है, हमने मान के किया होगा रियल डेप्थ ग्रेटर है अपारेंट डेप्थ स्मॉलर है, रियल डेप्थ ग्रेटर है अपारेंट डेप्थ स्मॉलर है, हमने ऐसा मान के किया हुआ है। तो इसमें जरा सोचिए, अगर म्यू आई ग्रेटर है, जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है म्यू आई ग्रेटर है, म्यू आई ग्रेटर है म्यू आर से, तो ये वैल्यू वन से छोटी आएगी, ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मीन्स नॉर्मल शिफ्ट डेफिनेटली अपवर्ड होगी, नॉर्मल शिफ्ट पॉजिटिव यानी अपवर्ड होगी। ओके, अब दूसरी केस में अगर म्यू आई लेस है, म्यू आई लेस है, जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है म्यू आई इज लेस देन म्यू आर है, तो ध्यान देने की बात है। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा, अगर म्यू आई छोटा है तो ओवरऑल ये वैल्यू जो आएगी वन से ग्रेटर आएगी, क्या आएगी, वन से ग्रेटर, और वन से ग्रेटर आएगी तो पूरी वैल्यू हो जाएगी निगेटिव। अब पूरी वैल्यू हो गई निगेटिव मतलब एन जो है अपवर्ड न होकर के डाउनवर्ड है, अगर ये नीचे वाला मीडियम रेयरर है तो एन की वैल्यू नीचे हो जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी इमेज की, इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये देखिए ये केस आएगी, इमेज की डिस्टेंस ग्रेटर हो जाएगी। बातें क्लियर हुई? तो मुझे लगता है आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि भैया अपारेंट शिफ्ट जिसे बोल सकते हैं, नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं, इस नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी वन माइनस वन अपॉन म्यू रिलेटिव, डी क्या है, रियल डेप्थ है। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और हम निकाल सकते हैं, ये देखिए इमेज डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कभी कभी इमेज और ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की जरूरत पड़ती है, यहीं पर आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, म्यू आई इंटू डी 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 डैश, यहां पर
हमने डिस्टेंस को डी डैश ले रखा है, डी डी डैश। अच्छा उसको हम अगर एक्स बोल दें, एक्स डैश, तो बेटर होगा हमारे लिए डी एक्स डैश बाई डी टी। रिप्रेजेंटेशन थोड़ा आसान करने के लिए हमने कर दिया, इक्वल टू म्यू आर इंटू डी एक्स बाई डी टी। एक बात जरा आप सोचिए, ये डी डैश कह लो चाहे एक्स डैश, मैंने मैंने डी डैश को एक्स डैश से रिप्लेस कर दिया है और डी को हमने क्या किया है, एक्स से रिप्लेस कर दिया है। जरा सोचिए एक्स डैश और एक्स का मेजरमेंट कहाँ से हो रहा है, इंटरफेस ऑफ टू मीडियम से हो रहा है ना, इंटरफेस ऑफ टू मीडियम से हो रहा है। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस में रिलेटिव वेलोसिटी देखने की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या आया, डी एक्स डैश क्या आया फिर, हाँ इंटरफेस के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ इमेज है, और डी एक्स बाई डी टी क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरफेस ऑफ टू मीडियम है। आई बात समझ में, हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आई, यानी हम लिख सकते हैं म्यू आई इंटू वी आई इमेज वेलोसिटी इक्वल टू म्यू आर इंटू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, आइए इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारे ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। मुझे लगता है डेरिवेशन आपको तो क्लियर हुआ ही था, लास्ट डे क्लियर हुआ था, उसी पे मैंने थोड़ा सा और एनालाइज कुछ किया है, कुछ और आपको डिस्कस किया हुआ है, नॉर्मल स्विफ्ट भी बताया हुआ है। आइए इन पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनसे हमारे कॉन्सेप्ट्स थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स इस पर बेस्ड एक हम छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है अन ऑब्जेक्ट लाइज 100 सेंटीमीटर इनसाइड वाटर। ध्यान देने की बात है, ऑब्जेक्ट वाटर में है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 है। इट इज वीव्ड फ्रॉम एयर नियरली नॉर्मली। एयर में से इसको देखते हैं नॉर्मली ऐसे, वाटर के भीतर ऐसे ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये वाटर हो गया भैया, है ना, इसमें ऑब्जेक्ट है यहाँ कहीं, और ये 100 सेंटीमीटर बिलो है, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। कितना भैया, 100 सेंटीमीटर बिलो है। इसको नॉर्मली देखते हैं, नियरली नॉर्मली मतलब लगभग यहाँ से देखा जाता है ऑब्जेक्ट को। फाइंड द अपारेंट डेप्थ, अपारेंट डेप्थ आपको फाइंड करना है। तो अपारेंट डेप्थ के लिए जो आपने फार्मूला फाइंड लिखा हुआ है, अपारेंट डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा मीडियम भैया, इंसिडेंट रे, इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू म्यू म्यू आर, है ना। तो दूसरा वाला मीडियम, दूसरा वाला मीडियम एयर, तो यहां पर हम लिखेंगे अपारेंट डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इंसिडेंट रे का मीडियम कौन सा है, वाटर है, वाटर इज इक्वल टू डी, मतलब रियल डेप्थ है 100 सेंटीमीटर इंटू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर बाहर क्या भैया, एयर है, तो डी डैश इंटू वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो कि 1 होता है। डी डैश इज इक्वल टू 3/4 या के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर के इंटू 100 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हुआ कितना आएगा 25, डी डैश इक्वल टू आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने देखा जो 100 सेंटीमीटर की डेप्थ पर ऑब्जेक्ट है वो हमको दिखाई देगा ओनली एट ए डेप्थ ऑफ 75 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, वही इमेज हमको बाहर से दिखाई देगी। देखो स्टूडेंट्स कितना क्लियर था, देखना था ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, ऑब्जेक्ट वाटर में है, तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपारेंट डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जिस मीडियम में से देखा जा रहा है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रियल डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई होगा, और सॉल्व कर दिया, आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। माना कि यहां पे वाटर है, वाटर के भीतर किसी डेप्थ पर एक फिश है, यहां पे एक फिश है, है ना, ये देखिए फिश है, यहाँ पर फिश की आई है भैया, है ना, ये फिश की आई है, ये अबाउट 36 मीटर है, एट ए डेप्थ ऑफ 36 मीटर। इसके जस्ट एबव एक बर्ड है, क्या है, बर्ड है, बर्ड है, ये भी अबाउट 36 मीटर एबव दी वाटर सरफेस है। ओके, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 है, बाहर एयर है, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है। आपको फाइंड क्या करना है, पहले फर्स्ट फाइंड करना है अपारेंट डेप्थ ऑफ फिश, अपारेंट डेप्थ ऑफ
फीस फाइंड करना है, दूसरा अपेरेंट डेप्थ ऑफ बर्ड, और तीसरा फाइंड करना है, हाँ तो स्टूडेंट्स क्या है अपेरेंट डेप्थ ऑफ द फिश, अपेरेंट नहीं सॉरी डेप्थ नहीं, ये हाइट, एच ई आई जी एस टी, हाइट ऑफ द बर्ड। नेक्स्ट, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश, यानी फिश को कितने डिस्टेंस पे बर्ड दिखाई देगी, एंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू द बर्ड, बर्ड को जो है फिश कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगी। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, अपारेंट डेप्थ ऑफ फिश, अपारेंट पहला क्वेश्चन है अपारेंट डेप्थ ऑफ द फिश। तो देखिए फिश के लिए अपारेंट डेप्थ ऑफ द फिश इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच फिश इज प्रेजेंट, है कि नहीं, यानी इंसिडेंट मीडियम, यानी जो कि वाटर है, इंसिडेंट रे का मीडियम क्या है, वाटर है, इज इक्वल टू रियल डेप्थ ऑफ फिश, रियल डेप्थ ऑफ फिश इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच फिश इज टू बी सीन, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। वैल्यूज को पुट करते हैं, डी डैश ऑफ फिश हम निकालने जा रहे हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी फिश का डेप्थ एक्चुअल में 36 है इंटू व्हाट, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो फिश का अपारेंट डेप्थ जो आएगा 36 इंटू 3/4 ये आ जाएगा मेरी समझ से 48 मीटर, सॉरी फिर से सॉल्व करते हैं इसको, कितना भैया 27 मीटर। तो फिश है 36 मीटर पर दिखाई देगी कितने पर, 27 मीटर के डिप्थ पे दिखाई देगी, किसको, बाहर से जो कोई भी देख रहा है, ये बर्ड देख रही, बर्ड को भी ये 27 मीटर के डिप्थ पे दिखाई देगी। दूसरी बात है अपारेंट हाइट ऑफ द बर्ड, बर्ड की अपारेंट, वाटर के भीतर से कोई देख रहा होगा तो जैसे फिश देख रही है, कोई देख रहा होगा तो बर्ड कितनी हाइट पर दिखाई देगी। दूसरी केस है अपारेंट हाइट ऑफ द, इसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर लूं भैया, एच ऑफ द बर्ड, बर्ड की अपारेंट हाइट इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच बर्ड इज, बर्ड लाइज, तो ये है एयर, एयर में लाई कर रहा है भैया, है ना, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल हाइट ऑफ द बर्ड इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच बर्ड इज टू बी सीन, मीन्स उस वाटर में से देखा जाना है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां लिखा जाएगा, है ना। तो बर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान देने की बात, सॉरी बर्ड की अपारेंट हाइट तो हमें निकालनी ही है, एच डैश भी हमको निकालना है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, बर्ड की एक्चुअल हाइट कितनी है भैया 36 है मीटर इंटू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ठीक है, एनसील होगा 12 आएगा, ये आएगा अपारेंट हाइट ऑफ बर्ड जो आएगा ये आएगा 48 मीटर आएगा, मीन्स ये जो बर्ड है वाटर सरफेस से 36 मीटर की हाइट पे है, पर वाटर के भीतर से कोई उसको देख रहा है तो वो उसको 48 मीटर की हाइट पे दिखाई देगी, है ना, कितने मीटर की हाइट पर दिखाई देगी, बर्ड 48 मीटर की हाइट पर दिखाई देगी। अब आइए थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, थर्ड क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश, फिश को बर्ड कितनी हाइट पर दिखाई देगी, तो फिश को बर्ड, है ना, द डिस्टेंस एट विच बर्ड, द बर्ड विल अपीयर टू द फिश कितना होगा भैया, फिश तो वाटर में कितने डेप्थ पे 36, ये डेप्थ तो ये हाइट तो ली जाएगी 36 मीटर प्लस एयर में बर्ड की डिस्टेंस जो फिश को दिखाई देगी 48 दिखाई देगी, एक्चुअल में 36 पर है पर उसको 48 दिखाई देगी, तो यहां पे 48 ऐड कर लेंगे आएगा कितना 84 मीटर, है ना, एक्चुअल में फिश को बर्ड 84 मीटर के डिस्टेंस पे दिखाई देगी, है ना, है तो 72
सेपरेशन इनका 72 है, पर फिश को दिखाई देगा कि बर्ड उससे 84 मीटर पर है। अब बर्ड को क्या दिखाई देगा, आइए देखते हैं। बर्ड को दिखाई देगा, यही सेम केस हम लेते हैं, द डिस्टेंस एट विच द फिश विल अपीयर टू द बर्ड। ये डिस्टेंस क्या होगी भैया, देखिए होगा इज इक्वल टू, देखिए बर्ड कौन देख रहा है, बर्ड देख रहा है, एयर में जो डिस्टेंस है वो तो वैसे एज इट इज फील होगी 36 मीटर, प्लस फिश है 36 पर बर्ड को दिखाई देगी 27 पर, कितने पर दिखाई देगी, अपारेंट डेप्थ 27 पर, इसलिए यहां पे जो आप ऐड करेंगे 27 मीटर ऐड करेंगे तो आएगा कितना 63 मीटर, है ना, 7 प्लस 6 13, 3 टू 5 प्लस 1 6 63 मीटर। बर्ड बर्ड को जो है फिश 63 मीटर के डिस्टेंस पर दिखाई देगी। देखिए दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है, एक्चुअल में दोनों एक दूसरे से 72 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, बट हो क्या रहा है, फिश को बर्ड 84 मीटर की डिस्टेंस पे दिखाई दे रही है, और बर्ड को फिश 63 मीटर के डिस्टेंस पे दिखाई दे रही है, एक्चुअल से थोड़ा कम। वजह रीजन रिफ्रैक्शन, क्या है रिफ्रैक्शन, बताया था ना कि आप लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये रिफ्रैक्शन का कमाल है। आइए इस पर कुछ हम और एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान देना, इसको मैं लिखा नहीं हूं, आप लिख दे रहा हूं, ये फिश है और ये क्या है, बर्ड है। हाँ कुछ लोग कहेंगे सर ये फिगर क्या बना दिए आप, तो दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए अब आप पढ़ लीजिएगा समझ में आएगा, वैसे क्वेश्चन हो चुका है, कोई बात नहीं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए फिश इन एक्वेरियम अप्रोचेज द लेफ्ट वॉल एट ए रेट ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक फिश है एक्वेरियम में है, लेफ्ट वॉल की तरफ आ रही है 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ऑब्जर्व से फ्लाई, ये आते हुए एक फ्लाई को देखती है, अप्रोचिंग इट जो इसकी तरफ आ रही थी एट 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड की तरफ स्पीड से। वो भैया फिश जो है लेफ्ट वॉल की तरफ अप्रोच करते हुए ये देखती है कि सामने से एक फ्लाई 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है। मतलब ध्यान दीजिएगा, वो जो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड वो देख रही है वो स्पीड ऑफ फ्लाई रिलेटेड टू फिश है, ध्यान दीजिएगा स्पीड ऑफ फ्लाई रिलेटेड टू फिश है। और भी जरा सोचिएगा, वो एक्चुअल नहीं देख पाएगी क्योंकि वो दूसरे मीडियम में है, फ्लाई दूसरे मीडियम में है, इसलिए वो अपारेंट वेलोसिटी है, अपारेंट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू फिश 8 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा बताया गया। एक लाइन में कहा गया है, क्या कहा गया है, ए फिश इन एन एक्वेरियम अप्रोचेज द लेफ्ट वॉल एट ए रेट ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड, इतना तो इसके बारे में हो गया, लेकिन इसके आगे जो कहा गया बहुत सोचने वाली बात है, जरा सोचिएगा, ऑब्जर्व से फ्लाई अप्रोचिंग इट, वो फिश ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्व से फ्लाई अप्रोचिंग इट एट 8 मीटर पर सेकेंड, जरा सोचो ये फिश ऑब्जर्व करती है कि फ्लाई उसकी तरफ 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है। इफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई, फ्लाई की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, फ्लाई की हमें एक्चुअल वेलोसिटी पता करनी है, जरा सोचिए सब कुछ ठीक है, बस एक ही थोड़ा सा कुछ, मतलब एक स्टेट, मतलब एक फुल लाइन का थोड़ा सा पार्ट, ऑब्जर्व से फ्लाई अप्रोचिंग इट एट 8 मीटर पर सेकेंड, सारा रहस्य इसी में छिपा है, ये क्या है 8 मीटर पर सेकेंड, क्या है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू फिश है, बट ये रिलेटिव वेलोसिटी
एक्चुअल नहीं अपारेंट है, क्यों? क्योंकि फिश दूसरे मीडियम में है और फ्लाई दूसरे मीडियम में है, फ्लाई दूसरे मीडियम में है, ध्यान देने की बात है, फिश दूसरे मीडियम में है और फ्लाई दूसरे मीडियम में है, इसलिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी एक्चुअल रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, वो अपेरेंट रिलेटिव वेलोसिटी है। कैसी रिलेटिव वेलोसिटी है? अपेरेंट रिलेटिव वेलोसिटी है। आइए जरा इसके बारे में सोचते हैं। पहले डिस्टेंस हम देखते हैं, डिस्टेंस क्या फिश के रिस्पेक्ट में फ्लाई की डिस्टेंस क्या है ना, अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ फ्लाई, ध्यान दीजिएगा, अपेरेंट अपेरेंट डिस्टेंस, अपेरेंट डिस्टेंस, मान लीजिए रियल डिस्टेंस एक्स है तो अपेरेंट डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी क्योंकि वो रेयर मीडियम में, भैया ध्यान दीजिएगा एक्स डैश ग्रेटर होगा, ये होगी इसकी अपेरेंट पोजिशन, है ना, अपेरेंट पोजिशन होगी एक्स डैश। अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ फ्लाई, अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ फ्लाई इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका भैया, किसका? अरे आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है डी डैश इंटू म्यू आई इज इक्वल टू डी इंटू म्यू आर। म्यू आई मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जेक्ट है, तो फ्लाई ऑब्जेक्ट कौन यहां पे है, फ्लाई ऑब्जर्वर कौन है, फिश। तो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है वो है भैया एयर, क्या है, एयर। तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू रियल डेप्थ, क्या, रियल डिस्टेंस ऑफ फ्लाई कहां से, फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द एक्वेरियम, लेफ्ट वॉल से, यहां से ए बी से, ए बी से, है ना, फ्रॉम द वॉल ए बी, है ना, इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे मतलब ऑब्जर्वर, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहाँ पे कौन है, फिश है, फिश किस मीडियम में है, वाटर में है, तो इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना, म्यू आई है ना, म्यू आई मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट है, और म्यू ओ म्यू आर मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जर्वर है। तो ध्यान दीजिए अपारेंट डिस्टेंस को हमने x डैश लिख रखा इंटू वन इज इक्वल टू क्या आएगा भैया, रियल डिस्टेंस को हमने x लिख रखा है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को नॉर्मली हम म्यू से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, म्यू से, जो कि गिवन है 4/3, अभी लिखेंगे बाद में, x डैश इज इक्वल टू म्यू। अब एक काम करते हैं, हमको वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए, वेलोसिटी, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, Differentiating on both side with respect to t, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है भैया, समझिएगा, है ना, क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के चांसेस बड़े अच्छे होते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, डी एक्स डैश बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू इन टू डी एक्स बाई डी टी, क्या आ जाएगा, डी एक्स डैश बाई, डी एक्स डैश बाई डी टी मतलब क्या, अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ फिश, क्या, अपेरेंट स्पीड ऑफ फिश, क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं अपेरेंट स्पीड ऑफ फ्लाई, सॉरी फ्लाई, है ना, जिसको हम वी डैश कह लें, ऑफ फ्लाई इज इक्वल टू म्यू इंटू, म्यू इंटू ये क्या है यहां पर, रियल स्पीड ऑफ फ्लाई, क्या, रियल स्पीड, यही हमको फाइंड भी करना है, स्पीड ऑफ फ्लाई जिसे हम वी, वी से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, वी एफ रियल स्पीड ऑफ फ्लाई रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्या पा लिया कि अपारेंट वेलोसिटी, अपारेंट स्पीड ऑफ फ्लाई इज इक्वल टू मी इनटू रियल स्पीड ऑफ फ्लाई, ये आ गया। आइए रियल स्पीड ऑफ फ्लाई हमको निकालना है,
अपारेंट स्पीड के बारे में रिलेशन हमने फाइंड कर लिया है। अब आते हैं इस बात पर, इट ये जो 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, इस पर एक बार फिर से विचार करते हैं और लिखते हैं इसके बारे में कि क्या चीज़ें हैं। हमने कहा ये दिया हुआ है, ये ए फिश इन एन एक्वेरियम अप्रोचेज द लेफ्ट वॉल एट ए रेट ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्व्स ए फ्लाई अप्रोचिंग इट एट 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड दिखाई दे रही है, मतलब ये जो दिखाई दे रहा है ना, अपारेंट रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? अपारेंट, अपारेंट रिलेटिव वेलोसिटी या अपारेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू फिश। ध्यान देने की बात है, फ्लाई एयर में है, इन एयर है ये, अब फिश क्या है? इन वाटर, है ना। ये है 8 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? 8 मीटर पर सेकेंड। और रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी माइनस वेलोसिटी ऑफ इस बॉडी, है ना। जैसे यहां पे देखिए दो बॉडीज हैं भैया, बॉडी बी बॉडी ए, इसकी वेलोसिटी है v2, इसकी वेलोसिटी है v1। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेक्टर फॉर्म में होता है और दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। इसका मैग्नीट्यूड जो आया करता है, वेक्टर हटाइए, वी बी ए इक्वल टू आता है v2, हटा दीजिए, मैग्नेट्यूड निकाल रहे हैं, माइनस v1। कब? जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, बाई द वे इनकी डायरेक्शन अपोजिट v2 अगर इधर है, तब लिखा जाता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू v2 प्लस v1। तब इनकी वेलोसिटीज को ऐड कर लिया जाता है। क्या करते हैं भैया? ऐड कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो यहां पर हमको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू फिश निकालना है और दोनों के मोशन का डायरेक्शन अपोजिट है, इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। और ध्यान देने की बात है, फिश फ्लाई की जो वेलोसिटी होगी वो एक्चुअल वेलोसिटी ना पुट करके अपारेंट वेलोसिटी पुट करेंगे और फिश की एक्यूरेट यानी एक्चुअल वेलोसिटी पुट करेंगे। कौन देख रहा? ऑब्जर्वर है फिश, फिश इज ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट है फ्लाई। तो फ्लाई की रियल वेलोसिटी नहीं, फ्लाई की अपारेंट वेलोसिटी पुट की जाएगी। मींस यहां पर हम लिख सकते हैं अपारेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, ये देखिएगा वी डैश, इसे हम क्या बोलेंगे भैया? अपारेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई प्लस वेलोसिटी ऑफ फिश, वेलोसिटी ऑफ फिश क्योंकि आ गया भैया, जानते हैं ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए ऐड किया जाता है। अपारेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू फिश, तो अपारेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई प्लस वेलोसिटी ऑफ फिश। इसकी जगह पे आप लिखेंगे भैया म्यू इंटू वी एफ, क्या लिखेंगे? म्यू इंटू वी एफ प्लस, यदि फिश का वेलोसिटी दिया हुआ 2.5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू को पुट करते हैं म्यू का, यहां पर 4/3 इंटू म्यू एफ रियल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई इज इक्वल टू सॉरी क्या आएगा, इज इक्वल टू 8 माइनस 2.5, माइनस करने पे कितना आएगा 5.5। तो रियल वेलोसिटी ऑफ फिश इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी फ्लाई, है ना, फ्लाई की रियल वेलोसिटी जो आ रही है 5.5 × 3/4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको इसका एक्चुअल आंसर मिलेगा, क्या आएगा? 16.5/4। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई इक्वल टू आ रहा है 0.125, ओके, मीटर पर सेकेंड। तो जो फिश को फ्लाई की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी 4.125 होगी, एक्चुअल वेलोसिटी 4.125 होगी और उसके बाद रियल सॉरी अपारेंट वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, म्यू से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा और उसके बाद
रिलेटिव वेलोसिटी तो आपने देखा है 8। तो स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई, थोड़ा सा टफ हो गया था क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिसको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी में एक नई चीज इंक्लूड हुई है, अपारेंट रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि आप लोग, हमें लगता है कि अगर ऑप्टिक्स में आए हैं तो पहली पहली बार, आप 12th में आए हैं तो आप इसको पहली पहली बार देखे होंगे कि अपारेंट रिलेटिव वेलोसिटी आप निकाले हैं, है ना। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो आपको वेलोसिटी रखना था वो वेलोसिटी नहीं, वो अपारेंट वेलोसिटी रखना था, फिर अपारेंट वेलोसिटी को रियल वेलोसिटी का टर्म में रख करके रियल वेलोसिटी को निकाल लिया गया। स्टूडेंट्स इसको एक दो बार, इस लेक्चर को यहां से, मतलब इस क्वेश्चन को 2-3 बार आप देखिएगा और अपने से आप सॉल्व करिएगा, इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठाइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिलिंड्रिकल वेसल हुज डायमीटर एंड हाइट बोथ आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सिलिंड्रिकल वेसल है, इनका डायमीटर और हाइट दोनों 30 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस, हॉरिजेंटल सरफेस पे प्लेस किया गया, एंड ए स्मॉल पार्टिकल पी इज प्लेस्ड इन इट, इसमें एक स्मॉल पार्टिकल पी प्लेस किया गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये इसका अगर मिड पॉइंट यानी सेंटर है तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पार्टिकल पी प्लेस किया गया है, इस सेंटर सी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं भैया। एन आई इज प्लेस्ड एट ए पोजिशन सच दैट, एन आई इज प्लेस्ड एट ए पोजिशन सच दैट, ध्यान दीजिएगा, सच दैट द एज ऑफ द बॉटम इज जस्ट विजिबल, एज ऑफ द बॉटम, बॉटम का किनारा दिखाई दे रहा है, जस्ट विजिबल, है ना, मतलब ये इसका बॉटम ये है, आई यहाँ प्लेस है, तो यहाँ से आने वाली जो रे है एकदम स्ट्रेट सीधे जो आई में इंटर कर रही है, ये सिचुएशन है, आने वाली रे सीधा आंख में एंटर कर रही है, तो एज इज जस्ट विजिबल, यानी एकदम इसके टॉप को टच करते हुए रे जाएगी तो ही जस्ट विजिबल होगा, बॉटम इज जस्ट विजिबल। द पार्टिकल पी इज इन द प्लेन, पार्टिकल पी इज इन द प्लेन ऑफ द ड्राइंग, ड्राइंग मतलब इसे व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ड्राइंग की गई, इसी प्लेन में ये पार्टिकल पी है। अप टू व्हाट मिनिमम हाइट, वो कौन सी मिनिमम हाइट होगी, अप टू व्हाट मिनिमम हाइट शुड वाटर बी पॉर्ड, किस मिनिमम हाइट तक इसमें वाटर को भरा जाए इन द वेसल टू मेक द पी विजिबल, कि पी दिखाई दे, पी जो है विजिबल हो। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है आपका, और आप में से ही किसी ने पूछा हुआ था, हमारे कल के टॉपिक पर बेस्ड है, तो मैं सोचा लास्ट में मैं इसको आपको बता दूं। देखिए, माना कि किसी हाइट एच तक पानी को पॉर करते हैं, इसमें ये देखिए ये हाइट एच तक हमने पॉर किया है, ध्यान देने की बात है, अगर इस पॉइंट पी से आने वाली रे, ये देखिए टॉप पर, कहां पर, सरफेस यानी इंटरफेस पर आने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद, ये जो रे नहीं है ये डॉटेड लाइन के अलोंग जाएगी, इस डॉटेड लाइन के अलोंग जाएगी तो ही ये पॉइंट पी जस्ट विजिबल होगा। माना कि वो हाइट एच तक पार किया गया है जिससे कि आने वाली इंसिडेंट होने वाली लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा है, हाँ, कि रिफ्रैक्टेड रे इस डॉटेड लाइन के अलोंग जा रही है, यानी ये पार्टिकल पी जस्ट विजिबल हो जाएगा तब, हा? और इसकी इमेज कहां बनेगी, ध्यान देने की बात है, इस पार्टिकल पी की इमेज रे के अकॉर्डिंग यहां पर बनेगी, इसको हम पी डैश कह लें, क्योंकि पी की इमेज है, पी डैश कहेंगे तो हमारे लिए समझना थोड़ा सा आसान होगा। ठीक, माना कि पॉइंट ए पर रे आकर के इंसिडेंट हुई है, पॉइंट ए पर आकर इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद डॉटेड लाइन के अलोंग गई है, इसकी इमेज कहां बनी भैया, एकदम एज ऑफ द बॉटम पे बनी है, ध्यान देने की बात है, हाइट एच, इस हाइट एच को हमें निकालना है। आइए कोशिश करते हैं, ये डिस्टेंस 5 है बट ये डिस्टेंस हमको नहीं पता, इस डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। ओके, हमें यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया जाए, क्योंकि अंदर वाटर बोला गया है तो वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं भैया, क्या लगा सकते हैं, रिफ्रेक्टिव ये वाटर है, म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 4/3 यूज कर लेंगे।
यूजिंग स्नेल्स लॉ 8.1, यूजिंग स्नेल्स लॉ 8.1, पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, क्या आएगा भैया? साइन थीटा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है जरा सोचिएगा, सोच के बताइए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि आप लोग को पता होगा, नहीं पता, भूल गए। आइए मैं बताता हूँ। देखिए, कहा गया कि ये जो टोटल हाइट है वेसल की, टोटल हाइट है 30 है, कितना भैया? 30 है। और डायमीटर की लेंथ कितना है? ये भी 30 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए भैया, यहाँ पर जो बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है पी डैश, ये मान लीजिए क्यू मान लूँ इसको, इसको आर मान लूँ, पी डैश क्यू आर आइसोसेलस ट्राइंगल हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइएगा, खुद से बताइए, आइसोसेलस ट्राइंगल हुआ ना? हाँ, अगर ये आइसोसेलस ट्राइंगल हुआ तो ये दो साइड इक्वल हैं, तो इसके दो एंगल भी इक्वल होंगे, एक एंगल 90 का, जो दोनों 45 एंड 45 के होंगे, मतलब ये एंगल भी 45 का होगा। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू ईच अदर, ये लाइन ट्रांसवर्सल बनी, ये एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45। तो ये देखिएगा जरा, यहाँ पर स्नेल्स लॉ मतलब 1 μ2 जिसको लिखते हैं, मीन्स μ2 अपॉन μ1 लिखा करते हैं, μ2 मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर हुआ करता है। तो μ2 का मतलब यहाँ पर एयर है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 अपॉन μ1 का मतलब ये देखिए वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिख दें हम इसको, इक्वल टू साइन आई मतलब थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, देखिएगा 45 है, साइन 45, साइन थीटा इक्वल टू हम आराम से लिख सकते हैं, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू म्यू की वैल्यू 4/3, मीन्स आ गया 3/4 अंडर रूट 2, ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू, है ना स्टूडेंट्स? मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ रही होगी, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/4 रूट 2। इसी से हम कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहें, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं भैया, √1 − sin² θ, कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा √1 − ये देखिए साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 3/4 √2 का होल स्क्वायर, तो कॉस थीटा इक्वल टू आएगा √1 − 9/32, कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा √, ये देखिए 32 − 9 हो जाएगा, कितना आएगा 23/32, मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू आ गया √23/4 √, वही कहानी 2। अब हमें टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा, ये देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक तो ये होता है, एक यहां से देखिए इस ट्राइंगल से देख लीजिए, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर, पी बी अपॉन बेस, बेस मतलब ए बी, तो पी बी अपॉन बेस मतलब ए बी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है भैया? साइन थीटा की वैल्यू है 3/4 √2, एंड कॉस थीटा की वैल्यू √23/4 √2 इज इक्वल टू पी बी। पी बी का मतलब देखा जाए तो पी सी प्लस सी बी, पी सी प्लस सी बी अपॉन ए बी, ए बी का मतलब एच है, क्या है? एच, ये 4 √2, 4 √2 से कैंसिल हो जाएगा, आएगा 3/√23 इक्वल टू पी सी प्लस सी बी, ध्यान दीजिएगा पी सी का मतलब तो है 5 और सी बी का मतलब है एक्स, सी बी का मतलब है एक्स अपॉन एच। देखिए एक्स, अब देखिए यहां पर हम ट्राइंगल ए बी पी डैश की बात करें, ए बी पी डैश फ्रॉम ट्राइंगल ए बी पी डैश क्या है? देखिएगा ए बी पी डैश, ये एंगल 45 का है और वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा वाला ये भी होगा 45 का, दो एंगल इक्वल हैं तो आइसोसेलस ट्राइंगल हुआ, यानी ए बी और ए बी पी डैश इक्वल है, ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू पी डैश बी, पी डैश बी ऐसा है, तो पी डैश बी, तो यहां पर जो बी सी की वैल्यू है, ध्यान देने की बात है, बी सी कह लो या सी बी कह लो,
सी बी इज इक्वल टू होगा पी डैश बी माइनस किसकी वैल्यू पता करनी है भैया, सी बी की वैल्यू ना। तो देखिए पी डैश बी माइनस पी डैश सी, पी डैश सी, तो सी बी इक्वल टू आ जाएगा। यहां पर ध्यान देने के बाद सी बी का मतलब हमने एक्स ले रखा हुआ है, एक्स ले रखा है, तो सी बी देखिएगा यहां पर सी बी की वैल्यू एक्स ले रखा है, तो पी डैश बी की वैल्यू एच हो गई, कितनी हो गई एच, ये जो है एच है ना भैया, एच है, तो एच माइनस पी डैश सी जो कि 15 है, कितना है 15, तो एक्स की वैल्यू हम यहां पे रखें तो आएगा दिस इंप्लाइज दैट 3 बाई अंडर रूट 23 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स की जगह पे एच माइनस 15 अपॉन एच, ये आ गया 3 अपॉन अंडर रूट 23 इज इक्वल टू एच माइनस 10 अपॉन एच। इसी को सॉल्व करके हम निकालेंगे एच की वैल्यू। देखिए कैसे निकालते हैं, ये देखिए ये इधर मल्टीप्लाई ये उधर ले जाए तो हो जाएगा 3h इज इक्वल टू एच अंडर रूट 23 माइनस 10 अंडर रूट 23 है ना। इसको लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में ले जाएं तो आएगा हमारा भैया h अंडर रूट 23 माइनस 3h इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 23 है ना। देखिए उल्टा हुआ ना, इसको उधर लगा नेगेटिव, इसको इधर लगा पॉजिटिव, ये मैंने लिखा हुआ है। एच कॉमन कर लें तो हमारा आ रहा है अंडर रूट 23 माइनस 3 इक्वल टू 10 अंडर रूट 23, एच इक्वल टू आ गया 10 अंडर रूट 23 अपॉन अंडर रूट 23 माइनस 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मिनिमम इस हाइट तक अगर हम वाटर को भरेंगे तो हमको ये पॉइंट पी जस्ट विजिबल होगा। कहें सर अगर इससे ज्यादा हाइट होगी, कि भैया अगर इससे ज्यादा हाइट होगी, भैया कहें कि अगर हाइट इससे ज्यादा होगी देखिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरीके से होगा कि रिफ्रैक्टेड रे आराम से आई की तरफ आ जाएगी है ना, लेकिन अगर हाइट इससे कम होगी है ना, हाइट इससे कम होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और रे निकल नहीं पाएगी, वेसल से जाकर टकरा जाएगी, यानी इमेज जो बनेगी वो कहीं इससे बाहर बनेगी जो कि विजिबल नहीं होगी। और हाइट अगर ज़्यादा होगी, हाइट ज़्यादा होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा तो इमेज इसके भीतर बनेगी है ना, तो भीतर जो भी बनेगी दिखाएगी विजिबल हो जाएगा। इस तरह से कि मिनिमम कम से कम 10 अंडर रूट 23 अपॉन अंडर रूट 23 माइनस 3 तक की हाइट तक अगर हम वाटर को पावर करेंगे, भरेंगे इसमें, तो ये पी की इमेज जस्ट विजिबल होगी।